नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम कृषि जगत में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज जिस विषय को लेकर हम हाजिर हुए हैं वो है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती को आप रसायन मुक्त खेती भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें रसायनों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्रकृति द्वारा जो भी संसाधन हमें उपलब्ध करवाए जाते हैं केवल उन्हीं का इस्तेमाल खेती में किया जाता है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे हमारे विशेष अतिथि उमा ठाकुर जी से, जो कि एक प्रगतिशील किसान हैं और बरायली दारलाघाट से निवासी हैं। मैम, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। सबसे पहले हम आपसे आपकी प्राकृतिक खेती के अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे कि आप एक साल से खेती कर रही हैं प्राकृतिक तौर से, पूर्ण रूप से प्राकृतिक तौर से आप एक साल से खेती कर रही हैं, तो उसमें आपको अपने खेतों में और अपनी फसलों में किस तरह का आपको बदलाव देखने को मिला है? जी हाँ, मैं जो इस प्राकृतिक खेती से एक साल से ही अभी जुड़ी हूँ और मेरा जो अनुभव इसमें रहा है वो मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। मेरे जो खेत है उनमें जो फसलें हम उगा रहे थे वो बहुत ही अच्छी उग रही है, उत्पादन भी मुझे बहुत ही अच्छा मिल रहा है और क्या बोलते हैं उसकी जो गुणवत्ता है वो भी हमने देखा है कि टेस्ट के तौर भी हमें बहुत ही अच्छी, स्वाद में भी हमें बहुत ही अच्छा बदलाव उसमें दिखा है। तो इसमें मेरा जो अनुभव है वो एक बहुत ही अच्छा अनुभव एक साल का भी रहा है। जी, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि आपको जो टेस्ट है वो भी, जो भी आप उत्पादन करते हैं उसका बहुत अच्छा रहा है और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप इसमें किस किस कौन कौन सी फसलों का आप उत्पादन करते हैं इसमें मुख्य रूप से? जैसे मैं इसमें बताऊं, अभी हमारे जो खरीफ सीजन की जो मुख्य फसलें थी वो हमारी मक्की, कोदा, बाजरा और जो हमारी इसमें मिश्रित जो हमारी दालें थी वो हमने लगाई थी, वो जो हमारी खरीफ सीजन वाली जो फसलें हैं। और अभी जो हमारी इसमें फसलें लगाई गई रबी सीजन में वो हमारी गेहूं, सरसों और अगर मैं बात करूं हमारे जो किचन गार्डनिंग की तो उसमें हमने बहुत सारी मिश्रित जो है फसलें लगाई हुई है, जैसे मटर हो गया, लहसुन हो गया और मूली हो गई, धनिया हो गया, मेथी हो गया और पालक हो गया और सलगम, ऐसी बहुत सारी मिश्रित खेती जो है हमने अपने रवि सीजन में इसमें लगाई हुई है। जी, तो आप इसमें बेड्स एक साथ साथ में बना के लाइन सोइंग करके इसमें एक लाइन में एक क्रॉप, दूसरी लाइन में दूसरी क्रॉप, ताकि जो हमारी जो फसलें हो वो उनमें जो ऐसी हमारी बहुत सारी फसलें होती है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस ऐसी चीज जो होती है एक दूसरी फसल को भी प्रदान करती है। जी, तो मैम जैसे आप जीवा परियोजना से भी जुड़ी हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि जीवा परियोजना आखिर है क्या और वो किस तरह से आपके प्राकृतिक खेती के सफ़र में आपके लिए मददगार साबित हुई है? जी हाँ, जीवा परियोजना एक नवाड और हमारे जो अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन है उनका ही एक प्रोजेक्ट है जो हमारे दाला घाट के 21 गाँव में यह परियोजना चलाई जा रही है। और इस परियोजना का जो मेन उद्देश्य है वो हमारी जो पुरानी पद्धति है मोटा अनाज और हमारे जो पूर्वज जिस तरीके से खेती करते थे उसी पद्धति को दोबारा से लागू करना है। जी, तो ये किस तरह से ये कार्य करती है, क्या क्या उद्देश्य है इसके? जी, इसका जो मेन उद्देश्य है वो प्राकृतिक खेती है और इसका जो दूसरा उद्देश्य है वो मोटा अनाज है और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे जो किसान भाई या बहनें हैं उनको जो वो प्राकृतिक खेती के ओर ले जाना है और उसके लिए उनको जागरूक ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जी, तो जब अगर हम आपके जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो वो कैसा रहा है जीवा परियोजना के विषय में, आपने क्या क्या वहाँ से सीखा है और किस तरह से आपने उसको अपनी प्राकृतिक खेती में लागू किया है? देखिए, मेरा इसमें जो अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। इसमें मैंने इस परियोजना के साथ जुड़कर जैसे हमारे यहाँ पे गांव में आकर कैंप भी करवाए जाते हैं, वो हमें बहुत सारी उस कैंप में जानकारियाँ दी जाती है, हमारे को जैसे हमारे जो भी खाद है उनको उनके बनाने की ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। तो और जो इसके साथ जुड़कर मुझे और भी ज़्यादा जैसे मुझे सीड की ज़रूरत है वो भी हेल्प मुझे इसी परियोजना के साथ जुड़कर मिली और भी बाकी बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें थी जो इस परियोजना के साथ जुड़कर मुझे जो है
वहाँ से प्राप्त हुई है। जी, तो ये कह सकते हैं कि आपका जो प्राकृतिक खेती की शुरुआती सफर था वो काफी अच्छा रहा था, अच्छा रहा परियोजना से जुड़कर। तो आपने किस इस जो ये परियोजना है उसमें और कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं इस परियोजना के तहत? जी हाँ, इस परियोजना के तहत हमारे धारला घाट में, जैसे कि मैंने बताया कि ये परियोजना जो है हमारे 21 गांव में चलाई जा रही है। जी बिल्कुल। और इन 21 गांव के जो हमारे इस परियोजना के लिए हमारे जो है हर एक गांव से दो दो फार्मर चुने गए हैं। अच्छा। और जो 8 जो इसमें से FRP चुने गए, FRP फार्मर रिसोर्स पर्सन है जी। और इसके बीच में जो कार्य हो रहे हैं वो है, जैसे हमारे परीक्षण भ्रमण भी करवाए जा रहे हैं, ताकि हमारा जो फार्मर है उसको बहुत सारी जानकारी मिले और वो अपनी फसल में उस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करके उस अपनी फसल का उत्पादन भी बढ़ाए। उसमें जो है हमारे, अगर मैं परीक्षण की बात करूँ तो हमारे बी कीपिंग भी के लिए भी हमारे फार्मर को बी कीपिंग की भी ट्रेनिंग करवाई जा रही है। और पोल्ट्री फार्म की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए भी हमारे फार्मर को पोल्ट्री फार्म की भी ट्रेनिंग करवाई जा रही है। और दूसरे कार्य की बात करूँ मैं तो हमारे यहाँ प्लांटेशन, सर्दियों के पौधे और हमारे जैसे बरसात में लगने वाले पौधे हैं, जैसे आम है, अमरूद है, नींबू है, ये बरसात में लगने वाले पौधे जिसमें हमारे फार्मर को जो है इस परियोजना के तहत सब्सिडी भी दिलवाई जाती है। और अभी सर्दियों के पौधों की अगर मैं बात करूँ तो इस परियोजना के तहत हमारे सर्दियों में लगने वाले जो भी पौधे हैं उसमें भी हमारे फार्मर को जो है सब्सिडी दिलवाई गई है। और इसके अंतर्गत जैसे हमारे सीड हमारे फार्मर को अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए हम उसमें भी हमारे फार्मर को सब्सिडी दिलवाई जाती है जी। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इस हमारे इसी परियोजना के अंतर्गत एक जो है सीड बैंक भी खोला जा रहा है। अच्छा। जिससे जो हमारे फार्मर है उनको जो वो जैसे सीड की अगर उन्हें ज़रूरत है तो उन्हें कहीं भी बाहर जाकर सीड लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जो हमारा सीड होगा वो रासायनिक उसमें कोई भी पदार्थ नहीं डाला होगा, वो प्राकृतिक खेती द्वारा ही तैयार किया हुआ सीड होगा, सर्टिफाइड होगा वो। हाँ, वो सर्टिफाइड होगा जिसके ऊपर अभी हमें फरवरी या मार्च माह तक हमें उस पर कार्य करना है, ताकि हम जो भी हम बीज उसको किसी को भी दे वो सर्टिफाइड हो और वो जो हमारा जो भी किसान उस सीड को लेकर जाए उसे पूर्ण विश्वास हो इस चीज़ पे। और अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें पॉलीलैंड जैसी शीट है जिसमें टैंक बनवाए जाते हैं जी, वो भी हमारे फार्मर को प्रोवाइड किए जा रहे हैं जी, जिसकी वजह से हमारा फार्मर है वो अपनी जो खेती है उसमें वो जो सिंचाई के लिए और भी अच्छा कार्य कर सके जी। ये आपने बताया कि किस तरह से ये कार्य कर रही है और क्या क्या जो चीज़ें हैं वो किसानों के लिए दी जा रही है। तो जैसे आपने बताया कि ये 21 क्षेत्रों में, आपके जो दाला घाट का क्षेत्र है 21 गांव में ये परियोजना चलाई जा रही है, तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि सारे जो किसान हैं उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके, इसका कार्य करने का प्रोसेस क्या है? जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी योजना है ये 21 गांव में चलाई जा रही है जी। और इस परियोजना के अंतर्गत हमारे 21 गांव में से दो दो फार्मर लीड फार्मर जो है चुने गए। अच्छा। और 8 जो इसमें FRP फार्मर सोर्स पर्सन जो है चुने गए हुए, तो हमारे जो फार्मर सोर्स पर्सन रहते हैं वो उनका कार्य रहता है, जो भी हमारे लीड फार्मर है उनको जिस भी या शीड की उनको ज़रूरत है वो उनको तो जो हमारा FRP है वो उनसे डिमांड लेकर के अपने जो ACF की जो हमारी टीम है जी, इसकी हमने एक कमेटी भी बनाई गई है जिसमें हमने प्रधान और सचिव का भी चयन किया गया है जी। और अगर मैं बात करूँ FRP की तो जैसे कि मैं एक FRP भी हूँ तो इसके अंतर्गत मुझे जो 3 गांव दिए गए हैं, जो 3 गांव के फार्मर हैं उनके साथ मैंने कार्य करना है, और जो भी मेरे लीड फार्मर है उनके साथ मैंने मेनली काम करना है। तो उनकी जो भी डिमांड रहती है खेती से रिलेटेड या बागवानी से रिलेटेड, वो उनकी जो डिमांड है वो मैं पूरी करवाती हूँ अपनी ACF की टीम द्वारा जी।
तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो भी हर गांव से दो दो फार्मर चुने गए हैं वो आपको यानी कि जो कि फार्मर रिसोर्स पर्सन है उनको अपनी डिमांड बताते हैं और आप फिर आगे उन ज़रूरतों को पूरा करवाते हैं। जी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो किसान अभी भी जैसे रासायनिक खेती कर रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो रासायनिक खेती को छोड़कर क्यों वो जो नेचुरल फार्मिंग है उसको अपनाएं? जी देखिए, रासायनिक खेती जो है हमने जो है वो 1960 के बाद जो जबकि यहाँ पे हमारे उत्पादन बहुत कम हो गया था उसके बाद जो हमने शुरू की थी, उससे पहले हमारे जो पूर्वज थे वो प्राकृतिक खेती करते थे। तरीका थोड़ा उनका और होगा, अलग था, लेकिन उसी पुरानी पद्धति से हम आज जो फिर से, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बीमारियां जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती है हॉस्पिटल में, और आज के टाइम में जो 7-8 साल के बच्चे हैं वो जो है ऐसी ऐसी बीमारियों से घिरे हुए, कैंसर और ये सारा जो हो रहा है, ये इतनी सारी बीमारियां जो हो रही है वो कहाँ से हो रही है? हमारे खान पान से हो रही है। जी बिल्कुल। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो सारी जो हमें बीमारियां हो रही है हमारे खान पान से हो रही है, हमारा खान पान कैसा है? जी। हमारा खान पान रासायनिक वाला है, वो जो हम अपने खेतों में डालते हैं रासायनिक पदार्थ वो कहीं ना कहीं फिर हमारे कोई हमारे चाहे पशुओं के द्वारा, समझ लो जैसे हम चारा अपने पशुओं को देते हैं और उनका जो दूध हम निकालते हैं वही दूध तो हम फिर आप बाद में ग्रहण करते हैं। और रही बात अपनी जो फसल है, अगर हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक पदार्थ डालेंगे तो वही रासायनिक पदार्थ एक धीमा जहर बनकर जो है हमारे अंदर भी आएगा और बाद में वो बीमारियों का भी एक जरिया बन जाता है। जी बिल्कुल। और प्राकृतिक खेती में ऐसा नहीं है, प्राकृतिक खेती में जो भी घटक तैयार किए जाते हैं वो सारे जो है वो प्रकृति से ही लिए जाते हैं। जी। या मैं बात कर लूँ अपने पशुधन की, वो वहीं से ही लिए जाते हैं, हमारे पशुधन से गौमूत्र गोबर से ही तैयार किए जाते हैं, उसमें कोई जहर नहीं। वो सारा जो भी हमारी फसलों में हम डालेंगे तो हमारी फसलें जो है एक तरह से जहर मुक्त होगी। जी। अगर हमारी फसलें जहर मुक्त होगी तो हमारा और इसमें एक बात और भी मैं बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि हमारा जो उत्पादन है अभी हमारे जो भी किसान भाई और बहनें उनका ये विचार रहेगा भी शुरू में कि मैं रासायनिक खेती क्यों छोड़ूं क्योंकि मेरा उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन हमने एक साल में ये देखा है कि रासायनिक खेती डालने से नहीं बल्कि प्राकृतिक खेती से भी उत्पादन जो है बहुत ही अच्छा हो रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो शुरू के 2-3 साल में हो सकता है आपको थोड़ा कम, ज़्यादा नहीं 20% तक कम होगा, लेकिन 2-3 साल बाद हमारा जो भी उत्पादन है वो बहुत ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जी, तो प्राकृतिक खेती से हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा उत्पादन भी होगा और उनकी आय में वृद्धि भी हो सकती है और रासायनिक मुक्त खेती से अच्छा आहार भी वो ले सकेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो जो नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है, उसके संचालन के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? जी हाँ, इसके जो 4 स्तंभ है वो बीजामृत और बीजामृत हमने बता दिया, जीवामृत और आच्छादन और वापसा। बीजामृत हमारे गौमूत्र और गोबर, और जैसे हमने 20 किलो बीज का हमने ट्रीट करना है तो उसके लिए हमें क्या बोलते हैं 4 लीटर पानी और 1 लीटर उसमें गौमूत्र और 1 लीटर उसमें गोबर, 1 किलो गोबर और उसमें जो है बुझा हुआ चूना और जो उसमें 1 मुट्ठी जो है उसमें अपनी जंगल की मिट्टी या मेड़ की मिट्टी, और उसको जो हमने सुई की दिशा में फिर उसको घुमाना है और उसको जो 24 घंटे के लिए रख देना। उसके बाद हमने इससे अपने बीज को ट्रीट करना है और उस ट्रीट को, उस बीज को हमने ऐसे ट्रीट करना है कि उसको बीज को हम अपने छाया में बिछा करके उसके ऊपर स्प्रे करके उसको, इससे होगा क्या कि हमारा जो एक तो बीज है वो बहुत जल्दी जो अंकुरित होगा और वो स्वस्थ होगा, उसमें जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब दूसरे स्तंभ की अगर मैं बात करूं तो हमारा जीवामृत है जो एक खाद के रूप में ही हमारे फसल में कार्य करता है, जिससे जो हमारे जो सूक्ष्म जीव है हमारी खाद के, हमारी मिट्टी के, सॉरी, वो
और भी सक्रिय हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है वो और भी ज़्यादा भुरभुरी हो जाएगी और हमारा जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो और भी बढ़ जाएगी और हमारा उत्पादन भी और बढ़ेगा और हमारी जो फसल है उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी। और तीसरा स्तंभ अगर मैं इसकी बात करूँ तो वो है अच्छादन। अच्छादन जो है हमारी जो फसलें होती है उनका ही अवशेष हम उन्हीं को अपनी जो फसल है उसके बीच में मल्चिंग करके करते हैं, जिससे जो हमारा जो खरपतवार होता है वो हमारी फसलों के बीच कम आता है और हमारी जो मिट्टी है उसमें जो वो नमी बरकरार रहती है, जिसकी वजह से जो हमारी जो फसल है वो और भी ज़्यादा अच्छी पैदा होती है। और इसका जो चौथा स्तंभ है वो है बापसा। बापसा जो एक इसमें जीव अमृत और जो ये अच्छादन का एक परिणाम स्वरूप होता है, जिसकी वजह से हमारा जो मिट्टी होती है अगर हमने जीव अमृत और अच्छादन अपनी फसल में अच्छे तरीके से किया है तो उसमें जो हमारी मिट्टी होती है उसमें एक ह्यूमस जैसी पैदा होती है और जो हमारा जो फसल है उसको वो जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ाती है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको उगाती है। तो ये जो है हमारे चार स्तंभ इसमें संचालन के लिए है जी, जिससे हमारा उत्पादन हो सकेगा। तो आपने पशुधन की भी बात कही गई थी है ना, लेकिन जो आजकल है वो पशुओं का जो पालन है वो कम हो गया है कंपैरेटिवली, अगर हम पहले की बात करें तो जिनके पास कम पशु है या जैसे एक ही पशु है तो वो एक गाय से कितने एकड़ ज़मीन में वो खेती कर सकते हैं प्राकृतिक तौर पर? जी हाँ, आज का अगर मैं समय की बात करूं तो लोगों के मन में या हमारे जो भी किसान हैं उनके मन में ये प्रश्न आता है कि मेरे पास तो एक ही गाय है जी और मैं प्राकृतिक खेती नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा गौमूत्र और गोबर की आवश्यकता पड़ेगी जी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अगर हमारे पशुधन की बात करें तो हमारे पास अगर देसी नस्ल की अगर गाय है जी। तो हम एक देसी नस्ल की गाय से हम अपनी 10 एकड़ जमीन में जो प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, 10 एकड़ जमीन में, क्योंकि जो हमारी देसी गाय है उसके गौमूत्र और उसके गोबर में जो सूक्ष्म जीवों की मात्रा है वो 300 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक पाई जाती है जी। तो जो हमारी देसी गाय है वो हमारी 10 एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त, एक गाय ही बहुत पर्याप्त मैं बोलूंगी पूरी हो जाएगी जी। हाँ जी। तो अगर किसानों के पास केवल एक ही देसी नस्ल की गाय है तो वो कम से कम 10 एकड़ जमीन में आराम से प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। हाँ जी जी। तो जैसे किसानों के पास ये तो होगी कि 10 एकड़ में वो एक गाय से कर सकते हैं खेती, तो जिनके पास जमीन कम है, जिन किसानों के पास जमीन कम है वो कैसे अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं प्राकृतिक खेती द्वारा? जी हाँ, जैसे हमारे जो भी फार्मर है उनको रहता है कि मेरी पास कम जमीन है जी और क्या बोलते हैं मैं जो है एक ही फसल लगाऊंगा जी, लेकिन प्राकृतिक खेती में ऐसा नहीं है और उसमें हम अगर हम मिश्रित खेती हो, अगर वो कम जमीन है अगर किसी फार्मर के पास जी, तो वो मिश्रित खेती करे जी, जिससे वो अपनी एक फसल को काट कर बाजार में जाकर बेच देंगे तो उसकी दूसरी फसल जो है तैयार होती रहेगी जी। जो उन्होंने अपनी एक फसल की अगर हार्वेस्टिंग कर दी है जी, तो दूसरी फसल उसी जगह पर वो दूसरी फसल अपनी लगा सकते हैं और जो साथ में दूसरी फसल है वो अभी तैयार हो रही है साइड में कोई और फसल लगा दे, तो इस तरह से वो एक जो वो एक अपनी कमाई का एक चक्कर जैसे वो बना करके वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं वहाँ से जी। और अगर वो एक ही फसल लगाएंगे तो शायद उनकी आमदनी, क्योंकि वो एक फसल का अगर हम बात करें तो उसमें उतनी कमाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो उसमें बहुत सारी फसलें लगाएंगे, सोइंग लाइन से क्रॉप करेंगे जी। तो इस चीज़ से उनको ऐसा होगा कि एक फसल के कटने पर वो अपने जो कमाई जो है बाजार में ले जा करके बेच करके अपनी कमाई का साधन जो उनका ऐसे जो एक चक्कर बनता रहेगा और वो कम जमीन में भी अपनी बहुत कमाई कर सकते हैं जी। और क्रॉप रोटेशन या मिक्स क्रॉपिंग से हाँ जी जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसकी भी पूर्ति होती रहेगी। हाँ जी, हाँ जी।
तो जैसे प्राकृतिक अगर हम आपदाओं की बात करते हैं, जैसे इस साल की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा बारिशें हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, ऐसी कोई आपदाएं अगर आ जाती हैं तो उसका खेती पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, अगर हम बात करें कि हम प्राकृतिक तरीके से अगर हम फसलें उगा रहे हैं जी, और हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं जी, तो हमारी जो ये जो हम जीव अमृत और हम जो आच्छादन जो हम अपनी फसलों में करते हैं जी, तो उसके लिए जैसे हमारे किसी किन्हीं क्षेत्रों में अगर मान लो सूखा ज़्यादा पड़ रहा है, तो ये जो हमारा जीव अमृत है और आच्छादन है, इनके जो परिणाम होते हैं वो हमारी फसलों में, जैसे हमारी जो मिट्टी है वो उसकी जो नमी को बरकरार रखते हैं जी, जिससे हमारे यहाँ सूखा पड़ रहा है तो हमारी फसलों पे उसका कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर मैं बात करूँ अगर हमारे जैसे इस साल जो है हमारे बारिश बहुत ज़्यादा हुई जी, लेकिन हम जो भी फार्मर इस प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं, हमने देखा कि उनकी जो फसलें हैं उन पर जो प्रभाव बहुत कम पड़ा। अच्छा। जैसे ही उन्होंने अपनी फसल में अपने जो भी ये प्राकृतिक घटक थे वो डालने उन्होंने शुरू किए, तो हमारी फसल जैसे थोड़ी गिर भी गई थी वो बहुत ही जल्दी उठ भी गई, और उन्होंने उसमें देखा हमने खेतों में कि बहुत ही अच्छा सुधार हमारे जो प्राकृतिक जो भी हमारे डालने से, जैसे जीव अमृत वगैरह है या घन जीव अमृत वगैरह है, वो डालने से वो उनकी जो खेती है वो उसमें ऐसा कोई हानिकारक प्रभाव जो है बारिश का नहीं हुआ है, ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। जी हाँ जी, तो अगर हम जैसे बात करें मिट्टी परीक्षण की, तो प्राकृतिक खेती में मिट्टी परीक्षण का क्या महत्व है और कितने कितने समय में मिट्टी परीक्षण करवाना सही रहता है? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैम आपका जी। मिट्टी परीक्षण की अगर मैं बात करूँ, जैसी हमारी फसल एक फसल हमने काट दी जी, उसके ही साथ अगर हमने अगली फसल लगानी है तो उसके जैसे हमने काटी उसके ही साथ हमने मिट्टी परीक्षण जो है करवाना चाहिए जी। मिट्टी परीक्षण के लिए हमें जो सॉइल जो है अपने खेत से कैसे लेनी है, तो वो हमने अपने खेत के चारों कोनों से 6 इंच जो ऊपरी सतह है उससे 6 इंच नीचे से हमने मिट्टी लेनी है जी, और उस मिट्टी को मिक्स कर लेना है अपने खेत से 4 जगहों से और एक सेंटर से जी। फिर उस मिट्टी को जो हमने मिक्स कर लेना है, फिर उसके 4 भाग करने हैं जी, फिर उसके 4 भाग करके के हमने जो है वो उसके 2 भाग करने हैं, बाद में 2 भाग जो हमने उसके निकाल देने हैं जी, और जो हमारे पास 2 भाग बचे हुए हैं उनको फिर से हमने मिक्स करना है और फिर उसमें से हमने 200 250 या 300 ग्राम तक मिट्टी हमारे पास जो बचेगी उसको जो है हमने टेस्ट के लिए अपने लैब में देना है जी। और ये जो हमारी सॉइल टेस्टिंग है अगर हम इसको अपने टाइम टाइम पर करते रहे, हर फसल के बाद करते रहे, तो इससे हमें पता चलता रहेगा कि हमारी जो मिट्टी है उसमें किस चीज़ की कमी है और उस चीज़ को हमने पूरा करना है, या इसमें किस चीज़ की मात्रा जो ज़्यादा है जिसको हमने अभी नहीं डालना है जी। तो आपने जैसे बताया कि प्राकृतिक खेती हमें क्यों करनी चाहिए और उसके क्या क्या लाभ हैं, और जो भी आपदाएं हैं उससे भी हमें ज़्यादा नुकसान नहीं देखने को मिलता है प्राकृतिक खेती में, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और यहाँ आने के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।